हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किचन कुक विद सौम्या पर। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही टेस्टी सी प्याज की कचौड़ी की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में बनकर के तैयार हो जाएगा और घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। और इंग्रेडिएंट बस वही है जो कि आपके घर पर इजीली अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कचौड़ी के लिए फिलिंग बना लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म कर दिया है और उसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी खाने वाला ऑयल यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून राई ऐड कर रही हूँ। राई हल्का चटक चुका है, अब मैं इसमें 2 चुटकी हींग ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून धनिया को क्रश करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है। अगर तेज़ फ्लेम रहेगा तो मैंने इसमें धनिया ऐड किया है, राई ऐड किया है, सब कुछ जल जाएगा। मैं यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ की आलू को क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी किसी बर्तन की सहायता से भी क्रश करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन ऐड कर रही हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। बेसन का स्वाद फिलिंग में बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप अपनी फिलिंग में बेसन को ज़रूर ऐड करिएगा। अब मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। मैं आगे जाकर के इसमें प्याज ऐड करूँगी, उसके लिए भी मैं नमक यहीं पर ऐड कर दे रही हूँ। और मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून लाल मिर्च और धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब सभी को अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से निखर कर के आए। मुझे भूनते हुए 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मीडियम साइज़ की 10 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ। आपको इसे जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लेना है, लेकिन हाँ, इसे मिक्सर में पीस मत लीजिएगा, वरना उसे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। आपको सुनने में 10 प्याज बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, बट लास्ट होते होते प्याज बिल्कुल आधा हो जाएगा, क्योंकि प्याज से पानी छोड़ता है और वो बिल्कुल सूख जाता है। तो आप उसकी टेंशन ना ले, प्याज बिल्कुल हाफ हो जाएगा। अब सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक प्याज बिल्कुल आधा ना हो जाए और ये आलू के साथ मिक्स ना हो जाए। मेरा फिलिंग बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऊपर से बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल रही हूँ और 1/2 नींबू ऐड कर रही हूँ, जिससे फ्लेवर थोड़ा और चटपटा हो जाए। अब सभी को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अब मैं कचौड़ी के लिए आटा गूंथ ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर मैदा लिया और उसमें जमाइन और मंगरेला को क्रश करके ऐड कर रही हूँ। आप सिर्फ जमाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 1 स्पून इसमें मैं रिफाइन ऐड कर रही हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके इसकी एक सॉफ्ट सी लोई तैयार कर ले रही हूँ। मैंने आटा तैयार कर लिया है, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख दे रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार मैं फिर से इसे गूंथ ले रही हूँ ताकि आटा और बेहतर हो जाए। मैंने जो आटा गूंथा था उसकी मैं छोटी छोटी सी लोई तैयार कर ले रही हूँ। आप भी ऐसे तैयार करके रख सकती हैं, वरना बाद में भी आप कर सकते हो। अब मैं 1 लोई को ले करके इसकी कचौड़ी तैयार कर ले रही हूँ। जिस तरह से मैं इसे बिल्कुल पतला कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही पतला करना है, इससे कचौड़ी बिल्कुल खास्ता तैयार होगा। अब मैं आटे के ऊपर फिलिंग ऐड कर रही हूँ और जिस तरह से मैं इसे लॉक कर रही हूँ, आप भी इसी तरह से इसे लॉक कर लीजिएगा।
अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा गोल कचौड़ी तैयार हो चुका है। मैंने सभी को एक ही तरह से बना कर के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने तेल गर्म कर लिया है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल मीडियम मैंने गर्म किया है, क्योंकि इतना मीडियम पर ही कचौड़ी अच्छी तरह से तैयार होगा। मैं यहाँ पर रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो। कचौड़ी को पकने में लगभग 10 मिनट तो आराम से लगेगा, मुझे तो 10 मिनट लगे और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा रेड नहीं किया है, क्योंकि बाद में भी इसका कलर हल्का ब्राउन होता है, इसलिए थोड़ा कम जब ये ब्राउन रहे तभी आप इसे तेल से बाहर निकाल लीजिएगा। कचौड़ी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ सर्व कर सकते हो। आपको आज का रेसिपी कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और हाँ लाइक तो ज़रूर ही करिएगा। और ऐसे ही ढेर सारी इंटरेस्टिंग और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचे। और अगर आप चाहते हो कि ये रेसिपी आपके कोई फ्रेंड और फैमिली भी ट्राई करें, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें डालो, ताकि वो भी ये इजी रेसिपी ट्राई करें। और आप भी ये रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि आपका कचौड़ी कैसा बना और आपके घर वालों को ये कैसा लगा। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पर और भी इजी और बेहतरीन रेसिपीज़ हैं, वहाँ से आप देख करके कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो, कुछ हेल्दी बना सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।